हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे क्या ब्लैक होल के द्वारा समय यात्रा हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। समय यात्रा एक ऐसी परिकल्पना है जिसका बहुत से लोग समर्थन करते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी है जो इसका विरोध करते हैं। उसका मानना है कि समय यात्रा असंभव है, लेकिन भौतिक विज्ञान के नियम अनुसार समय यात्रा संभव है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा भौतिकी में दिए गए सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने भौतिकी की दुनिया में एक अवधारणा को जन्म दिया। इस अनंत फैलाव वाले ब्रह्मांड में मौजूद खगोलीय पिंडों पर समय की गति वहां पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चलती है, यानी जहां पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है वहां पर समय धीमी गति से चलता है, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहां समय तेज रफ्तार से चलता है। मतलब हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह पर समय अलग अलग रफ्तार से चलता है। जैसे कि मंगल ग्रह पर समय पृथ्वी के मुकाबले तेज रफ्तार से चल रहा है, और बृहस्पति ग्रह पर समय धीमी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह पर समय का यह अंतर काफ़ी मामूली है। अगर हम समय के इस अंतर को महसूस करना चाहते हैं तो हमें ऐसे खगोलीय पिंड के पास जाना होगा जिसका गुरुत्वाकर्षण हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना ज़्यादा हो, और ब्रह्मांड में ऐसी संरचना भी मौजूद है जो समय को भारी मात्रा में प्रभावित करती रही है, जिससे एक रचना का नाम है ब्लैक होल, जो कि एक प्राकृतिक टाइम मशीन है। ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात संरचनाओं में केवल ब्लैक होल ही एक ऐसी संरचना है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, इतना कि ये प्रकाश को भी 360 डिग्री तक मोड़ देता है, या यूँ कहते हैं कि प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। ब्लैक होल के द्वारा समय यात्रा करने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीमा क्यों हो जाता है। मान लीजिए कि एक बॉक्स है जो जीरो ग्रेविटी में रखा हुआ है। अब बॉक्स के टॉप से एक लाइट रे निकलती है जो बॉक्स के बॉटम में चली जाती है, तो यहाँ पर प्रकाश को बॉक्स के टॉप से बॉटम तक जाने में कुछ समय लगेगा। अब मान लीजिए कि बॉक्स ऊपर की ओर त्वरण यानी एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर बढ़ता है। एक्सेलरेट करता हुआ बॉक्स के टॉप से फिर से एक लाइट निकलती है और बॉटम की ओर जाती है। इस केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉक्स एक्सेलरेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसकी वजह से लाइट को टॉप से बॉटम तक आने में जल्दी आ जाएगा, चलने में सब थोड़ी दूरी कम तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स का बॉटम भी प्रकाश की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इस वजह से प्रकाश को टॉप से बॉटम तक पहुंचने में कम समय लगेगा। अब मान लीजिए कि बॉक्स एक्सेलरेशन को और बड़ा बना दिया, जो इस केस में प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने में और कम दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स का बॉटम खुद प्रकाश की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वजह से प्रकाश को टॉप से बॉटम तक जाने में पहले से भी कम समय लगेगा। मतलब जैसे जैसे बॉक्स का त्वरण बढ़ता रह जाएगा, उसमें प्रकाश का टॉप से बॉटम तक जाने का समय धीमा होता चले जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन को ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी की ग्रेविटी 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, या यूँ कहे कि पृथ्वी का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये वीडियो समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।